तो गाइज अभी हम बेलंकनी बीच की तरफ आए हैं और यहाँ पे ये दूसरा होटल सरवना भवन प्योर वेज आप देख सकते हो। इनका जो पहले का आउटलेट है वो ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं और उसका थंबनेल मैं यहाँ पे डाल दूंगी ताकि आप उस वीडियो को भी देख सकें। और ठीक यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको श्री गनाना वेदा बीच रेजिडेंसी एक होटल मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर आते हो वेलंकनी में और बीच की तरफ होटल्स ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। अभी हम होटल सरवना भवन में आए हैं, ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो गाइस अभी हम सरवना भवन में आए हैं, होटल सरवना भवन। आपने वीडियो में देखा होगा बीच की साइड वेलंकनी बीच पर भी और एक होटल सरवना भवन है, ये उनका सेकेंड आउटलेट है, लेकिन वहाँ पे दूसरा अवेलेबल नहीं था तो अनफॉर्चुनेटली हमें उसी पहले वाले आउटलेट पे आना पड़ा। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं थंबनेल डाल दूंगी ताकि आप वीडियो देख सके पहले वाले सरवना भवन का, जहाँ पे मैं वो भी यहाँ पर रिसीव कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैंने लंच भी ट्राई किया था। वीडियो जरूर देखिएगा। अभी हम स्नैक्स के लिए आए हैं यहाँ पर और ये मोटू वड़ा हमने ऑर्डर किया है, ये पर पीस 60 रुपीज़ का है और यहाँ पे चटनी और सांभर दिया हुआ है। मोटू वड़ा ट्राई करते हैं। तो बड़ा ही मजेदार है, अभी अभी गरम गरम बना के ये लेकर आए हैं। अक्सर मैं जब भी होटल्स में जाती हूँ मेदू वड़ा जो है वो बहुत ही ठंडा सर्व करते हैं, ये मुझे काफी पसंद आया क्योंकि इन्होंने ये गर्मा गर्म सर्व किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सांबर ट्राई करते हैं। दाल दाल के सांबर बनाया है, सांबर ठीक ठाक है, चटनी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मेदू वड़ा भी बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हमने ऑर्डर करा है ऑनियन उत्तपम, आप देख सकते हो यहाँ पर अनियंस को अच्छे से रोस्ट किया है। ये सांबर और चटनी, वही चटनी और सांबर है जो मेदू वड़ा में दिया था उन्होंने, मुझे लगता है मसाला डोसा हमने ऑर्डर किया वो भी सेम चटनी और सांबर आपको मिल जाएगा, ये मुझे ठीक ठाक लगा। ये हमने मैसूर मसाला डोसा ऑर्डर किया है, आप एक क्लोजर लुक ले लो। अभी इसको मैं सेंटर से खाने वाली हूँ क्योंकि इसकी जो इसका जो सब्जी है मसाला डोसा का जो अंदर का मसाला है वो यहाँ पे सेंटर में है, क्या आप देख सकते हो इन्होंने मशरूम डाला है। ये क्या है? चटनी के साथ ट्राई करते हैं। सब्जी बहुत अच्छी है, मशरूम की सब्जी जो भी मसाला बना के रखा है अमेजिंग है। ये टिपिकल मसाला डोसा का जो मसाला रहता है अंदर का जो मसाला रहता है वैसा टेस्ट नहीं आएगा, ये कुछ अलग ही तरह का इन
इन्होंने मसाला बना के ये मैसूर मसाला डोसा बनाया है। एक्चुअली इस तरह का मैसूर मसाला डोसा मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, इसमें मशरूम डाला है इन्होंने। आप मसाला देख सकते हो अंदर से, करी पत्ता, प्याज, ये मशरूम्स के ये पीसेस डाले हुए हैं, मशरूम पीसेस, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अगर आप सरवना भवन आते हो इस मशरूम मसाला डोसा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वो लोग मशरूम डाल के देंगे, पर ठीक है, कुछ अलग ट्राई करने मिला, ये बहुत अच्छा। A few moments later. मसाला डोसा में आप लोग मशरूम डालते हो? मशरूम वही मैंने बोला था, मैसूर मसाला बोला था मैंने। ये कितने का है? ये कितना प्राइस? What is the price of this? मैं इसका मालूम नहीं, मेनू लगा है मैंने। तो गाइस आपने देखा होगा मैंने मैसूर मसाला डोसा का ऑर्डर दिया था और उन्होंने जो भेजा है वो है एक्चुअली मैसूर मसाला डोसा बोल के उन्होंने मशरूम डाल के सब्जी डाल के भेजी है। क्या बोला तूने? इसलिए मैंने जब फर्स्ट टाइम इसका टेस्ट किया मैंने आपसे बताया कि मैसूर मसाला डोसा उन्होंने मशरूम डाले हैं। आई वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज के मैसूर मसाला डोसा मैंने कितनी बार खाया है लेकिन कभी मशरूम के साथ नहीं खाया है। तो आप जब यहाँ पे आते हो आप ज़रा केयरफुल रहिए क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ बहुत बिजी था, बहुत क्राउड था, इसके वजह से उनके पास उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, इस वजह से ये गलती हो गई। आप जहाँ आप अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप इंश्योर कीजिए कि कोई यहाँ पे आपसे हिंदी या इंग्लिश में बोले ताकि आपसे इनसे कोई गलती ना हो और आपको कुछ रॉन्ग ऑर्डर ना मिल जाए। क्योंकि अभी आपने देखा मैंने मैसूर मसाला डोसा ऑर्डर किया है और ये लेकर आए हैं मशरूम डाल के। यूजली मैसूर मसाला डोसा में अभी मैंने उसे रिकन्फर्म किया मैसूर मसाला डोसा में आलू की सब्ज़ी होती है, मशरूम की सब्ज़ी नहीं होती। सो जस्ट ये आपसे जस्ट कहना था कि आप ज़रा यू नो केयरफुल रहिए और यहाँ पे आके जब ऑर्डर देते हो एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। अभी फाइनली ये मैसूर मसाला डोसा लेकर आए हैं और आप देख सकते हो ये एक एक्स्ट्रा चटनी है, रेड चटनी या ऑरेंज चटनी, और ये तो सेम है वाइट चटनी। तो अभी मैसूर मसाला डोसा ट्राई करते गाइस, गर्मा गर्म बन के आया है किचन से। सब्जी आप देख सकते हो ये आलू की सब्जी है, आलू, प्याज और यहाँ पे कोरिएंडर आप देख सकते हो, मिर्ची भी है ग्रीन मिर्च। इसको चटनी के साथ ट्राई करती हूँ। इस चटनी के साथ ट्राई करते हैं। ये टमाटो की चटनी है, दोनों ही चटनी अच्छी है। ये डोसा ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। यू ऑल हैव द सेकंड आउटलेट नियर द बीच மார்னிங் போனால்
மார்னிங் மேடம். இஸ் நாட் அவேலபிள். இஸ் நாட் அவேலபிள். பட் இப்போ பட்டர் சோடா பட்டரா. இஸ் பிக் பூரி. அது சன்னா மசாலா. யா யா. ஹே ஃப்ரீ டேட் மாதிரி ஃப்ரீ டேட் போல ரை. गाइस आप देख सकते हो ये पेपर मसाला सॉरी ये पेपर डोसा है, इसको ट्राई करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी है ये देख सकते हो आप। बहुत ही मजेदार है। इसके साथ ट्राई करती हूँ, ये अलग सब्जी दी है हमने, ये आलू की सब्जी है। दिस वन इज जस्ट सुपर। अगर आप यहाँ पे सरवना भवन में आते हो तो ये पेपर डोसा जरूर ट्राई कीजिएगा। मेदू वड़ा भी बहुत अच्छा है, मेदू वड़ा भी आप ट्राई कर सकते हो। ये दो चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। मम्मी ट्राई कर पेपर डोसा। काफी क्रिस्पी है, आप देख सकते हो बाहर का टेक्सचर काफी क्रिस्पी है। तो अभी मैंने चाय ऑर्डर की थी, चाय आ गई है, इसे ट्राई करते हैं। चाय काफी अच्छी है, बड़ा ही रिफ्रेशिंग सा टेस्ट है, मजा आ गया। चाय काफी मजेदार थे गाइस, अगर आप यहाँ पे आते हो तो चाय जरूर ट्राई कीजिए। मुझे कॉफी ट्राई करनी थी लेकिन बहुत जगह मैंने फिल्टर कॉफी ट्राई की है, तो सोचा कि फॉर अ चेंज चाय ट्राई करते हैं।